त छाड़ बिख बिख माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यो एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई सुकहो टल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख होवै सिफत खसमदि नूर अर सोह कुर सोह तुद डठे सच्चे पात शाह मल जन्म जन्म दे सजन सच्चा पात शाह सिर साहद जिस पास बैठिया सोहिय सबना दावे साहो सतनाम वाहिगुरु साहिब जी वड़हंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना यह जग झूठ पसारोआ सच्चा घर सचड़ै सेवीऐ सच खरा सचया रोआ बाबा आया है उठ चलना यह जग झूठ पसारोआ सच्चा घर सचड़ै सेवीऐ सच खरा सचया रोआ कूड़ लब जां थाए न पासे अगे लह न ठाओ अंतर आओ ना बैसो कहिए जो सुन्ये घर काओ जमण मरण वड्डा विछोड़ा बिनसे जग सुबाए लब धंदे माया जगत भुलाया काल खड़ा रुआए बाबा आवो भाई हो गल मिले मिल मिल देह आसीसां हे बाबा सचड़ा मेल ना चुके प्रीतम किया दे आसीसां हे आसीसां देवो भगत करे वो मिलियां का क्या मिलो एक भूले नाम हो थेमो थामो गुर शब्दी सच खेलो जम मार्ग नहीं जाना शब्द सुमाना जुग जुग सच वैसे साजन सैन मिलो संजोगी गुरमिल खोले फांसे बाबा नांगड़ा आया जग में दुख सुख लेख लिखाया लिखियड़ा साहा ना टले जेहड़ा पुरब कुमाया बह सच लिखिया अमृत बिखिया
जित लाया तित लागा, कामण यारी कामण पाए, बहु रंगी गल धागा, होशी मत पया मन होछा, गुड़ सा मक्खी खाया, ना मरजाद आया कल पीतर, नांगो बंद चलाया, बाबा रोवो जे किसै रोवना, जानियड़ा बंद पठाया है, लिखियड़ा लेखना मिट्टी है, दर हाकरड़ा आया है, हकारा आया जांत सपाया, रुन्ने रोवन हारे, पुत भाई भातीजे रोवै, प्रीतम अत प्यारे, पै रोवै गुणसार संभाले, को मरै ना मोया नाले, नानक जुग जुग जान सियाणा, रोवै सच संभाले, पै रोवै गुणसार संभाले, को मरै ना मोया नाले, नानक जुग जुग जान सियाणा, रोवै सच संभाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल दसों पातशाहियां दी आत्मक जाग दी जोत, चबर छतर तखत दे मालक, देना बंधु सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी च सज बैठी जुड़ बैठी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो, अमृत वेले तो गुरु चरणा च जुड़ के अपने जीवन दियां घड़ियां गुरु लेखे ला के सफला और सकारथा कर रहे हो। सर्वासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन सतगुरां दे दरबार दे हजूरी कीर्तनिए सिंघा पासों बहुत ही अदब सत्कार सहित आप जी ने सरवण किए हैं। उपरंत अमृत वेले प्राप्त हुए श्री मुखवाक विचारण वास्ते आपां सारे गुरु चरणा विच जुड़ बैठे हाँ। दयानिध स्वामी राग वडहंस विच ये पावन पवित्र अमृत बचन उचारण करके सानू सारे कलयुगी जीवां नूं उपदेश दे रहे ने। अलाणियां दा ये पावन पवित्र शब्द है, आओ कुछ समय लई सुरतियां बिरतियां एकागर करिए। पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी दे पवित्र चरणा विच अपनी सुरत नूं जोड़दिया होया एकाग्रता बनाउंदिया समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो। आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। वड़हंस महला पहला, बाबा आया है उठ चलना, एह जग झूठ पसारोवा। राग बड़हंस है, पहले पातशाह धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी का उच्चारण किया होया पावन पवित्र श्री मुखवाक शब्द है। हे भाई जेड़ा भी माई भाई जेड़ा भी जीव जंतु इस संसार विच आया है उन्हें एक दिन उठ के चले जाना है। बाबा आया है उठ चलना, जे आया है तो जाना भी सुनिश्चित है।
जन्म ते मरण ये दो विधा वाहिगुरु ने परमेशर ने बनाईया ने। जिसका जन्म है उसका मरना भी सुनिश्चित है। अजन्मा केवल परमात्मा है जिसका जन्म नहीं है, इस करके उसका मरण भी नहीं है। बाकी ये जितने भी असी जीव हाँ संसार दे विच जन्म लैके आए हाँ, महाराज जी कहिंदे भाई जे आए हो तो एक ना एक दिन उठ के चले भी जाना। क्यों? क्योंकि आ जिहड़ा जगत है ये झूठ का पसारा है, माया सच तो नहीं हुंदी। तो जे माया झूठी है तो फिर पलाया होया ये माया का पसारा भी तो कूड़ ही है ना। अज्ञानता दे समय भासदा है, जिवें सुते पिया सुपना वेखदे आ ना, तो सुपने विच बहुत कुछ असी कल्प लैने। सुपने च असी जो वेखदे हाँ जो कल्पना कर लैंदे हाँ वो जागदिया नहीं रहिंदा। इस तरह ये संसार की जिहड़ी कल्पना है ये अज्ञानता विच असी कीती है, सुपना है ये संसार। ज्ञान की अवस्था दे विच जदों कोई पहुँचता है तो उस वेले फिर उहनूं ये संसार भासदा ही नहीं, दिसदा ही नहीं, इहदा अभाव हो जाता। अभाव बड़ा प्यारा लफज है, अभाव यानी कि रहिंदा ही नहीं। तो ये जगत झूठ का पसारा है। झूठ का पसारा किवें है कि केवल अविद्या ते अज्ञानता दे समय भासदा है, ज्ञान की अवस्था दे विच इहदा अभाव हो जाता है, नहीं दिसदा नहीं भासदा। तो जगत गुरु बाबा जी फरमाउंदे कि जगत झूठ का पसारा है, इस करके जिहड़ा भी जीव इस संसार विच आया उहने इस संसार विच उठ के चलना है, जाना है। सच्चा घर सचड़ै सेवीऐ, सच खरा सचिआ रोवा। सच्चे घर दे विच जा के सच नूं सेवो, जिथे आप जी बैठे हुए सच्चा घर है साध संगत। सच्चे घर विच बैठ के सच्चे नूं सेवो, जो सच है उसकी आराधना करो। जिहड़े सच्चे घर विच आ के सच नूं सेवदे ने उह खरे हो जांदे ने, सच्चे खरे हो जांदे ने, सच्यार होवा सच्यार हो जांदे ने, यानी कि सच दा ही सरूप हो जांदे ने। सच नूं आराधदे आराधदे, सच नूं ध्याउंदे आ, सच नूं सेवदे आ, सच दा चिंतन करदे आ करदे आ, फिर वह सच बिच ही एक बेक हो के सच्यार हो जाते हैं, सच्चे हो जाते हैं। सच्यार का मतलब उसे का रूप हो गया। जिस तरह की कोई सेवा सेवदा है, जैसे नूं कोई सेवदा वो तैसा हो जाता, जैसा सेवा तैसा हो गया। जिस तरह दे दी कोई सेवा करता वो तैसा वो वर्गा हो जाता, ऐसा विधान है। संसार दे विच राजनीतिक लोग हुंदे आ, उन्हां राजनीतिक लोगों के नाल चलण वाले उन्हां दे कुछ चेले हुंदे आ। वो राजनीतिक लोग जो उन्हां दे नाल रहण वाले उन्हां दे अगे चेले हुंदे ने, वो उन्हां नूं फॉलो करदे आ, भी ये किद्दां टुरदे ने, किद्दां बहिंदे ने, किद्दां बोलदे ने, वो उस तरह चलण दा उहदा पहरावा की है, वह खांदा की है, वो सारिया चीज़ां नूं ग्रहण करते हैं और उन्हां विच उही अक्ष जिहड़ा है वो पासण लग पैंदा। दो चार व्यक्तियों नूं मैं परसनली तौर पर जानदा भी हाँ, ऐसिआं नूं कि जिहड़ा ने जो पहला उन्हां नूं मिलन तो उन्हां दी फितरत होर सी, पहरावा होर सी, बोलबाणी होर सी, उन्हां नाल मिल के उन्हां नूं फॉलो करदिआं करदिआं उन्हां जैसियां बिरतियां, उन्हां जैसा सुभाव, उहदे जैसियां गल्लां बातां वो ग्रहण कर लग पेंदे। लिंकन का जिक्र आता है कि लिंकन की रीस करन वाला एक व्यक्ति जिवें लिंकन बैठदा है उठदा है, जिस तरह का वो पहरावा पहनदा है, एक बंदे ने इस तरह करना शुरू कर दिता, उन्हें मनना शुरू कर दिता मैं लिंकन हाँ। लोगों विच दावा प्रगट हो गया भी कहन लगा भी मैं लिंकन। वो कहन लगे तू लिंकन नहीं है, कहता नहीं मैं हाँ ही लिंकन। एक दिन चलदिया चलदिया पूरा लिंकन का ही रूप हो चुका सी,
जदों मशीना ला के वेखियां भी परख के वेखीए भी झूठ तो नहीं बोलता तो वाकई वो अंदर जड़ी फीलिंग सी वो अंदर जड़ा सुभाव सी वो बिल्कुल उही बन चुका सी जो लिंकन दा सी। तो जिहो जे दी कोई सेवा करदा वो सेवा करद्या करद्या तैसा हो जांदा भाई लैणे ने गुरु नानक साहब की सेवा कीती करद्या करद्या भाई लैणा जी गुरु नानक साहब का स्वरूप ओहो जे ही हो गए गुरु अंगद साहब बन गए। तो निरंकार वाहिगुरु परमेशर सच है ते जेड़े सच्चे नू सेवदे ने सच्चे नू आराधदे ने सच्चे नू ध्यौंदे ने वो सच नू आराध्या आराध्या फिर सच का ही स्वरूप हो जाते हैं सच्यार हो जाते हैं सच्यार हो वाह। हाँ जी कूड़ लब जा थाए ना पासी अगे लह ना ठाओ फिर कहिंदे जदों कोई सच्यार ही हो जाता है सच का ही स्वरूप हो जाता है फिर उन्हों कूड़ झूठा झूठ तो लालच ये हिरदे विच थां ही नहीं पाउंदे जदों सच्यार हो गया फिर उत्थे झूठ नहीं ना रहिंदा उत्थे लालच भी नहीं रहिंदा कूड़ लब जा थाए ना पासी। फिर इस तरह भी कहिंदे ने भी जिहड़े बंदे झूठ नाल जुड़े हुए ने जिहड़े बंदे लालची ते लोभी ने उहनां नूं अगे निरंकार दे घर च थां नहीं मिलदी। सच्यार तां बह जांदे आ सतगुरां दे पास उहनां नूं तां थां मिल जांदी है जिहड़े कूड़े झूठे लालची लोभी लोग ने उहनां नूं वाहिगुरु परमेशर की दरगाह विच थां नहीं मिलदी अगे लह ना ठाओ उहनां नूं अगे था नहीं मिलदी अंतर आओ ना बैसो कहिए उना नु नहीं कहा जांदा आओ महाराज बैठो जदों जांदे भी ने ना दरगाह विच तो धर्मराजा नहीं कहिंदा आओ बैठो जी सत्कार नाल नहीं उठदा अगो उना दे लई भी आओ जी बैठो एदा नहीं कोई आखदा उना नु ज्यों सुन्ने कर काओ जिवें खाली घर विच कां बोल बोल के चला जाए उनु कुछ भी हासिल नहीं हुंदा ना। इस तरह सुंझे घर दे पौने वांगू जां इस तरह भी बचन करदे आ कि सुंझे खाली घर दा जिहड़ा कां हुंदा वी उत्थे काओ काओ करके चला जे कोई नहीं उहनूं रोकण टोकण वाला ना कि उहनूं बुलाउण वाला सत्कार देण वाला। तो जिहड़े मनमुख ने लालची ने लोभी ने उह धर्म राए की कचहरी च जाण तां उहनां नूं सत्कार नहीं मिलदा तरसकारे होए पिछे ही खड़ारे जांदे भी खलोते रहो कोई उन्होंने आदर नहीं मिलता कोई उन्होंने सत्कार नहीं मिलता। जम्मण मरण वड्डा विछोड़ा मिनसे जग सुभाए जम्मण ते मरण दे चक्कर विच पए इस वड्डे विछोड़े दे विच पए हुए वह विछड़े हुए ही रब तो निरंकार तो जमदे मरदे रहिंदे ने और इस जगत दे विच बिनसदे हन। लब तंदे माया जगत भुलाया काल खड़ा रुआए लालच दे विच लगा होया मनुख माया दे धंदियां विच ग्रसिया होया मनुख भुलिया बैठा है कि काल इहदे सिर ते चिंगाड़ रहा इहनूं दिसदा नहीं सुनाई नहीं दिंदा काल खड़ा रुआए काल इहदे सिर ते खड़ा है रुआए दा मतलब हुंदा भी चिंगाड़दा इहदे सिर ते खलोता इहनूं दिसदा नहीं है काल इहनूं नज़र नहीं आउंदा क्यों लालच विच लगा होया माया दे धंदियां विच ग्रसिया होया ते लालच ते लोभ दे धंदियां विच ग्रसे होए बंदे नूं अपनी मौत भुली होई है। बाबा आब हो पाई हो गल मिले मिल मिल दे आसीसा हे हे बाबा आब हो पाईओ आओ हे मेरे भरावो आओ मेरे गल मिलो ते मेरे गल मिल के मैनू असीसा दे असीसा असीसा एकत्र करनिया चाहिए जिन्निया मिल जान बद असीसा तो अपनिया करतूत करके असी बड़िया दियां लै लैने पर असीसा वो विरलिया नसीब होंदिया असीसा एकत्र करो महापुरश कहिंदे आ भी असीसा लिया करो भाई बड़िया दियां सत्कारत लोकां दियां गुरमुखां दियां रब दे प्यारियां दियां असीसां लिया करो
गुरसिखा दियां सीसा लिया करो, देहो सज्जण सीसड़ियां। वैसे पंगती पढ़ देंदे आ भी जदों कोई मक मुक जांदा ना उहदे भोग ते रागी सिंह पढ़दे आ, पर वास्तविक रूप दे विच जिउंदिआं जी बेनती है कि हे सज्जणो मैनूं असीसा दिओ कि मेरा सज्जण नाल मेल हो जाए। देहो सज्जण आसीसड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यों मेल, मेरा साहिब नाल मेल हो जाए, ऐसियां आसीसां दिओ। हे भरावो आओ मेरे गल मिलो, मेरे गल मिल के मैनू असीसा दिओ, गल वकड़ी च लै के असीसा दिओ, नाले सिर ते हथ धरो ते असीसा दिओ। पुछया जी की असीसा चाहीदियां हन? हाँ जी, बाबा सचड़ा मेल ना चुकई प्रीतम किया दे असीसा है। महाराज ये असीस दिओ, बाबा ये असीस दिओ कि मेरा उस सच्चे नालों मेल ना चुके, ते आखो तेरे चेत च करतार तेनू चेते रहे, तेनू कदे करतार ना विसरे। जदों गुरु नानक साहब दे चरणां च कोई नमस्कार करदा ते साहब असीस दिंदे, पता है की कहिंदे? तैनू करतार चेता आवे, तैनू करतार चेता आवे। ये असीस दिओ महाराज कि वह सच्चे का मेल ना चुके, वह दूर ना होवे मेरे तो, उस प्यारे प्रीतम नाल मिलन दियां मैनू असीसा दिओ। आसीसा देवो भगत करे वो मिलिया का क्या मिलो। महाराज मैनू ये असीसा दिओ, ये भी असीस दिओ कि मैं परमेश्वर की भगती करा, असीस दिओ कि तू रब की भगती कर, तू परमेश्वर की भगती करें, तेनू निरंकार चेते आवे, तेरे हिरदे चो वाहिगुरु ना विसरे। निमख ना विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश पूता माता की आसी। तेनू करतार चेते आवे, तेरे हिरदे चो वाहिगुरु ना विसरे, तू निरंकार परमेश्वर की भगती करें, ये असीसा दिओ महाराज सानू। अगों महापुरश जिहड़े गुरसिख ने वह पता की कहिंदे आ जदों उहनां नूं कहीए वी असीसा दिओ जी सानू भगती करिए, वह कहिंदे असी आप तां करदे नहीं, आप तां असी विछड़े होए आ, तुहानूं किवें असीसा देईए, आप तां असी मिले नहीं होए, तुहानूं मिलण दीआं असीसां किवें देईए। भाई महापुरश अपना आप छुपाउंदे आ, वह गुरसिख अपना आप लुकाउंदे आ वी सानू तां पता ही नहीं कुछ, असी तो हाले आप मिलन नू लोचदे हाँ। तो कहते जो इदा आखण तो फिर उन्होंने कहना महाराज मिलिया होया दा की मेलना, तुसी तो पहले ही मिले हुए हो। मिलिया का क्या मेलो, मिलिया होया दा की मेलना होया महाराज, तुसी तो पहले ही मिले हुए हो, साडे ते तरस करो सानू मेलो, ये असीस सानू बख्शिश करो। एक भूले नाम हो थेवो थामो गुर शब्दी सज खेलो। एक भूले नाम हो, एक नाम तो भुले हुए लोग ने, थे हो थाव हो, वो अपने निज थां तो भुले हुए ने, अपने निज स्थान तो भुले हुए ने, अपना टिकाणा ही भुलिया होया उन्होंने भी साडा टिकाणा की है। गुर शब्दी सच खेलो, हे भाई गुरु दे उपदेश द्वारा सच च खेडो, सच दी खेड खेडो भाई गुरु दे शब्द द्वारा, गुरु दे उपदेश द्वारा सच विच खेडो, दा मतलब हुंदा वी सच च मिलो, सच विच भेद होवो। जम मार्ग नहीं जाना शब्द समाना जुग जुग सच है वैसे। हे भाई जदों सच विच खेडोगे तुहानू जम्मा दे मार्ग नहीं जाना पवेगा, जम्मा दे राह नहीं जाना पवेगा, जम मार्ग नहीं जाना, वह फिर सच च समा जांदे ने। सच च जुग जुग सच है वैसे, जुगां जुगां विच उह सच्चे दा जिहड़ा वेस है उस विच ही अभेद हो जाते हैं। साजन सैन मिलो संजोगी गुरमिल खोले फासे। सज्जन सैन जी
सज्जन जी मेरी अंतशकरण की सैन सेजा ती मैनू मिलो संजोगां नाल मेल हुंदा गुरु खालसा जी संजोगां नाल ते जदों गुरु नूं मिलिए ना तो सतगुरु जी तरस करके साडियां फाइयां खोल दिंदे हन गुरमिल खोले फासे गुरु नाल मिल के मैं अपनियां फांसियां खोल दित्तियां हन मैनू जिहड़े कर्मां दे बंधन पए होए सन गुरु नाल मिल के मैं उन्हां बंधनां तों मुक्त होया हां बाबा नांगड़ा आया जग मैं दुख सुख लेख लिखाया महाराज जी कहिंदे हो काहदा गुरूर करदा बाबा सानू संबोधन करके कहिंदे नंगा ही आया सी संसार च नांगड़ा आया जग मैं दुख ते सुख दे जिहड़े लेख सन इह लिखा के लियाया मत्थे ते विधाते कोल हाँ जी लिखिया लिखिया सहा ना टलै जिहड़ा पुरब कमाया तेरे कीते कर्मां दे मुताबक वाहिगुरू ने जिहड़े लेख पा दित्ते ने ना जिहड़ी साहे दी तरीक पा दित्ती साहे दा मतलब जिहड़ा सद्दा निरंकार दा आउणा जिहड़ी तरीक मुकरर कर दित्ती वी फलाने दिन फलाने टाइम इन्ने बज के इन्ने मिनट इन्ने सकेंट होए होणगे तेनू सद लैणा वो जिहड़ी तरीक है ना आ ज्योतिषियां दे बनाए जिहड़े साहियां दी तरीकां हुंदियां दिन मुकरर कीते हुंदे वो टल जांदे है वो बदल भी सकदे है पर जिहड़ी साहे दी तरीक वाहिगुरू ने लिख दित्ती है ना सद्दण दी वो नहीं टलदी ना टलै क्यों क्योंकि जिहड़ा पुरब कमाया जिहड़े तू पूर्वले जन्मां दे कर्म कमाए ने उहदे मुताबक वो तरीक मुकरर हो गई है जिहड़ी सानू स्वासां दी पूंजी मिलदी है ना ये साडे कीते कर्मां दे फल मुताबक प्राप्त हुंदी है तो पूर्वले जन्मां दे कीते कर्मां दे मुताबक सानू उम्र मिलदी है अवधि मिलदी है इस करके जिहड़ी अवधि मिली है ना जिहड़ी तरीक मुकरर कर दित्ती है साहे दी परमेश्वर ने महाराज जी कहिंदे ओ नहीं टलदी बह सच लिखिया अमृत बिखिया जित लाया तित लागा वाहिगुरु सच्चे ने आप बह के लिखिया उन्हें अमृत भी लिखिया जहर भी लिखिया इहदे जीवन विच भी जहर भी है ते अमृत भी है जदों आग्या चक्कर तो थले नू चले ते जहर है आग्या चक्कर तो उपर नू चले ते अमृत है तो जहर ते अमृत वाहिगुरु ने इहदे लेखां विच लिख दिता है जिधर लाया जीव नू इह उसे पासे लगे हन कामण यारी कामण पाए बो रंगी गल धागा कामने आरी माया ने टूणा पा दिता टूणा टूणा कीता सानू सारिया नू कामने आरी माया ने ते कहिंदे बहु रंगी गल धागा कई रंगा दा धागा पा दिता साडे गलां च किसे दे केसर कोई किसे रंग च बज्जा होया कोई किसे धागे च बज्जा सारिया दे क्योंकि सारे बन्ने होए ने ना किसे ना किसे रंग च वो बहु रंगा दे धागे पा के ना माया रूपी कामणयारी जादूगरनी ने साडे ते जादू कर दिता साडे ते टूणा कर दिता एक फकीर टुरिया जावे रस्ते विच एक इस्त्री मिली हथ विच उहदे संगल ते रस्से फड़े हुए पुछण लगा वो साधु तू कौन है कहिंदी माया हाँ आ की फड़ी फिरदी है कहिंदी संगल ते रस्से ने जिहड़े बहुते हुंदे आ ना तपस्वी नहीं काबू आउंदे उहनां नूं इहनां संगलां ते रस्सियां नाल काबू करन दा यतन करदी कहिंदा तू मैनूं इहनां संगलां नाल भी नहीं बन्न सकदी कहिण लगी जे तू आ गल कही ना भी मैं तेनूं संगलां नाल भी नहीं बन्न सकदी ते तेनू तो यह संगल रस्सियां दी भी लोड़ नहीं पैनी बन्नण दी बिना बन्ने ही तेनू गुलाम बना सकती क्योंकि तेरे अंदर हंकार पिया बोलदा कहिंदा वेख लै जोर ला के एकदम अलोप होई
फकीर आले जंगल में टुरिया जाता तो एक नहर आ गई रस्ते च पानी वो गोडे गोडे होगा। एक नव व्याहता इसत्री का भेस बना के माया उत्थे बह गई क्योंकि ये कई भेस ने। कबीर जी कहते कई भेस बना बना आ मेरे ते पर मेरे मालक ने मैनू रख लिया बचा लिया। उत्थे बैठी रोई कुरलाई जावे साधु ने तरस किया आख्या की गल है बीबा कहदी डोली सी मेरी लियाउंदे जा रहे सन कहार भज गए ने ताड़ पै गई है लाड़ा मेरा पता नहीं कित्थे है मैं रुल जावांगी जंगल च मैनू नहीं पता किधर जाना। साध ने आख्या भी ये नदी पार करके नाल ही दूरी ते कुछ नगर है चली जा कहण लगी मैं तां पानी तर नहीं सकती दर। वो कहिंदा पानी केड़ा ज़्यादा गोडे गोडे पानी कहिंदी भावें गिटे गिटे होवे मैं नहीं लंघ सकती। भी जे तेरा मन दयालू तो मैनू मोढ़िया ते बिठा के पार लै चल। साध ने आख्या चल आ जा मोढ़िया ते बिठा के जो पार कर लगा तो खिड़खड़ा के हसण लग पी कहिंदी लै वे साधा बिना किसे संगल बिना किसे रस्से ते बिना किसे धागे तो मैं तेरे ते सवार हो गई हाँ तेनू अपने अधीन कर लिया तेनू तो धागे भी नहीं धागे नाल भी नहीं बनना पिया छोटी जी झलक ही विखाई तो भरम गया। ये माया ने कई तरह के रंगा के धागे बना के जीवों के गलों च पा के ना उन्होंने ठगिया होया। हाँ जी होशी मत भया मन होशा गुरसा मक्खी खाया। जिन्हों की मत होछी है जिन्हों का मन होछा है वो इदा दे ने जिवें मक्खी ते चली सी गुड़ खाण गिल्लिया गुड़ वेख के जो बैठी तो गुड़ ने ही मक्खी नू खा लिया। वो हालत साड़ी है ये जड़ी माया बनाई है संसार विच वाहिगुरु ने साढ़े खाण पहुँचण वास्ते बनाई पर इनू खाण पहुँचण की बजाए यही सानू खाई जा रही है बिना दंदा तो कैसी विडंबना। ये पिछे ही ध्यान जुड़िया होया ये पिछे ही भज नठ है ये पिछे ही ना सेवा ना सिमरन ना भजन। कहिंदे उल्टा गुड़ ने ही मक्खी नू खा लिया। गुड़ तो मक्खी दे खाण वास्ते सी ये माया तो भाई साढ़े खाण खर्चन लई सी। गुरु नानक साहब के बचन ने जदों महाराज कारू नू उपदेश दिंदे आ ना जन्म साखी चे साहब कहते दमड़ा तिसी का जो खर्चा यार खाब यदा खाण खर्चन नू सी पर उल्टा इन्हें ही खा लिया जीवनू एदा दिन एदा रात सारा समा जेड़ा इसे ने खा लिया। ना मरजाद आया कल पीतर नांगो बंद चलाया। बेमर्यादा आया सी जग बिच कोई मर्यादा थोड़ी सी संसार बिच नंगा ही आया सी ते अखीर नू नंगा ही ये संसार तो बन के जम्मा ने चला लिया टोर लिया। बाबा रोवो जे किसे रोवना जानियड़ा बंद पठाया है। ए बाबा रोवो जे किसे रोवना तुहाडा जेड़ा जानी सी शरीर दे विच रहण वाली आत्मा सी इनू बन के भेज दिता अगे टोर दिता जमा ने अगे। लिखड़ा लेख ना मिटी है दार हाकरड़ा आया है। कहिंदे भाई लिखिया होया लेख नहीं मिटदा दर हकारड़ा आया है। हाकारड़ा हकारा आया सदा आ गया दर तो लिखिया होया लेख नहीं मिटदा। जेड़ा वो सदा आया ना हकारा वो दे सदे दे नाल जाना ही पवेगा। हकारा आया जांत सुपाया रुन्ने रोवन हारे। जदों सदा आया उदो आया जदों नू पाया
पिछे रोण वाले रोंदे हन। पुत भाई भतीजे रोवै, पुत वखरे रोंदे ने, भतीजे रोंदे ने, भरा रोंदे हन। प्रीतम अत प्यारे, जिहड़े अति प्यारे प्रीतम यार दोस्त ओह भी रोंदे कुरलोंदे ने। भै रोवै गुण सार संभाले, भैणा भी गुण चेते कर करके भरावा आउंदी सी रखड़ी बनदी सी, 10,000 वाला सूट लैके देंदिया भी मत्थे त्रुड़ी नहीं सी पाउंदा। बड़ा गुणी सै तो कहिंदे भैणा वखरे गुण संभाल संभाल के अपने स्वार्थां नूं ही रोंदे आ सारे। कहिंदे भैण रोंदी आ सार संभाल गुणा नूं संभाल के, कोई को मरै ना मोया नाले, मरे दे नाल तां नहीं कोई मरदा भाई। हाँ जी, को मरे ना मोया नाले, मरे दे नाल नहीं कोई मरदा मुकदा। नानक जुग जुग जानस जाना, रोवै सच संभाले। भाई जुगा जुगा बिच ओही सियाणा सजाण है जाणो, जिहड़ा सच दी संभालना करके रोवे, हे वाहिगुरु मैं तेरे तो विछड़िया होया। सच नूं संभाल के जिहड़ा रुदन करे भाई, उसे दा रोना सफल है। लड़ी वार कथा राग जैत श्री विच चौथे पातशाह धन श्री गुरु रामदास जी महाराज जी दे पावन पवित्र शब्दों की आपां विचार रहे हाँ। 699 अंग ते पावन कथा पहुँची है। जगत गुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज कृपा कर रहे ने, सरवण करिए जी। जत श्री महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा। ए भाई रस लै लै के, गुरु रामदास पातशाह कहिंदे रस लै लै के, जदों शब्द पढ़दे हो गुरबाणी दा, जपजी साहब दा पाठ करदे हाँ, जाप साहब पढ़दे हाँ, तो एक एक पंगती नूं इदां पढ़ीए भी अमर दियां कुट्टां ने। रस लैणा, रस एक एक शब्द का गुरसिख रस माणदे ने, और इतना रस है इस पावन अमृत बाणी विच, जिहड़े माणदे ने उह जाणदे ने। कहबे को सोभा नहीं वाली खेड है। कहिंदे रस रस राम रसाल सलाहा, रस रस लै के, रस रस करके, राम का नाम जिहड़ा सारे रसां का आलिया घर है, हे भाई उहनूं सलाहो, उसकी उपमा करो। मन राम नाम पीना ले लाहा, मन राम दे नाम विच भिजा होया ए लाहा लेंदा है। आही लाहा है कि राम दे नाम च भिज गया ए लाहा मन लेंदा है, असल विच यही लाहा है। खिन खिन भगत करें दिन राती, गुरमत भगत महाराम। जेड़े गुरु की मत दे द्वारा परमेश्वर दी भगती करदे ने, वो फिर खिन खिन भगती करदे आ पल पल। जिन्हां ने गुरमत धारण कीती उन्हां अंदर परमेश्वर दी भगती करन दा उमा पैदा हुंदा, चा पैदा हुंदा। वो खिन खिन भगती करदे जेड़े गुरमत दे धारनी ने, उन्हां अंदर चा हुंदा है भगती करन दा। रात नूं सौण वेले भी चा हुंदा, सवेरे उठ के बाणी पढ़नी, इशनान पान करना, गुरु घर जाना। सौण तो पहला उन्हां अंदर सोहला साहब दी बाणी पढ़न तो बाद अरदास ही हुंदी है, महाराज अमृत वेले दे जागणे बख्शियो, बाणी दियां दातां बख्शियो, इशनान पान दियां दातां बख्शियो। ये भगती दा उमा है जिहड़ा गुरमुखां दे हिरदिआं विच जागदा है। हर हर गुण गोविंद जपाहा, वाहिगुरु परमेश्वर दे गुणां नूं, उहदे गोविंद दी सिफत नूं सतगुरु जी साडे कोलों गवाउंदे हन। गवाउंदे ने तां गाउंदे आ, गवाउंदे ने ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਨ ਜੀਤ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੋਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਏ।
ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਤਨ ਆਪੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਸੁਣਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਚੱਖਦੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਥਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਨ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਸ ਆਵੇ, ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਮਹਾਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਮਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਹਾ ਜਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਜਪਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੇਤ ਦਾ ਅੱਕ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰਕਰੀ ਵਿਛਾਈ, ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਜਪ ਕੇ ਜਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਜਪੋ ਔਰ ਜਪਾਓ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਾਧੋ। ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਮਾਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਉਮਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਬਣ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਪ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪੋ ਮਨ ਮਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਗਤ ਦਾ ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗ ਲਾਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਵੱਡੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਹਨ ਧੰਨ ਹਨ। ਜਪ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਉਮਾਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਉਮਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਉਸਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਧੰਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਧੰਨ ਨੇ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਚਾਅ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਜੁਗਾਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਆਪ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰ ਜੋਗੀ ਆ, ਉਹ ਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੁਗਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜੁਗਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਆਪ ਹੈ,
फिर उस जुगती नू तारन करन वाला भी वो आप है। आपे निरपौ ताड़ी लाहा, आप ही निरपौ है, अपनी उस निरपयता की अवस्था विच ताड़ी लाउण वाला भी आप ही है। ताड़ी लाना समाधि लाउण नू कहिंदे आ। जदों समाधि स्थित हो जाते योगी कहिंदे ताड़ी लग गई, वो जिहड़ा ताड़ी लाउण वाला है वह भी वह हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर आप है। आपे ही आप, आप वरतै आपे नाम महाराम, वो आपे ही आप है भाई, आप ही वरत रहा सारिआं विच, आप ही नाम जपदा ते आप ही नाम जप के अपने नाम नू जपण दा उमा रखदा। जपण वाला भी आप है, जिस दा जाप जपना वो भी वो आप है, ते जिस दे अंदर जपण दा उमा जागया वो भी वो आप ही है। आपे दीप लो दीपा, आप ही दीप बन के सारे लोआं नू संसार दे जीवां नू चानना देण वाला है, ते जिहड़ा अंधकार है वो भी तो वो आप ही है। फिर आखो सतनाम, नमो अंधकारे, नमो अंधकारे। कलगीधर जिहड़ा अंधेरा है भी तो वाहिगुरु परमेश्वर विच ही है ना, वो तो बाहर तो नहीं। इस करके कहिंदे दीपक बन के दीवा बन के संसार दे समस्त लोगों नू प्रकाशन वाला भी वो आप ही है। आपे सतगुर समुंद मथा, आप ही सतगुरु, सतगुरु भी परमेश्वर ने ना, परमेश्वर आप ही सतगुरु जी बने और सतगुरु जी हो के आप ही समुंदर नू रिड़किया। समुंदर केड़ा? गुरबाणी का जिहड़ा ये समुंदर है, ये सतगुरु जी ने इनू विचारिया, यानी कि इनू मथिया रिड़किया। आपे मथ मथ तत कढ़ाए, आप ही इनू मथ मथ के गुरबाणी नू रिड़क रिड़क के इहदे च तत कढ़ के सिखां नू दिता अपनी गुरबाणी द्वारा ना, इसनू रिड़किया चंगी तरह गुरबाणी दी। गुरु नानक साहब ने जिहड़े बचन कहे, गुरु अंगद साहब ने उन्हां नू रिड़किया, गुरु अंगद साहब ने जो कहा, गुरु अमरदास साहब ने उन्हां नू विचारिया चंगी तरह रिड़किया, तो उहदे विच्चों जिहड़ा तत् निकलिया सार ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਪ ਨਾਮ ਰਤਨ ਉਮਾ ਰਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਰਤਨ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਉਮਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਮਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਖੀ ਮਿਲੋ ਮਿਲ ਗੁਣ ਗਾਵਾ, ਏ ਸਖੀਓ ਆਓ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗਾਓ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰਾਂ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਵਾਓ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਬਈ। ਹੇ ਸਖੀਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਵਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜੀ ਮਨ ਭਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਉਮਾ ਰਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਹੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਉਮਾ ਚਾਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਵੱਡ ਦਾਣਾ ਵੱਡ ਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਨਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਦਾਨਾ ਸ਼ਾਹ, ਓਛਾ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਇਹ ਵਸਾਓ, ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੱਤੀ, ਲਓ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਬਦਲੇ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ,
ये कोई फसल नहीं बदले च देण नू। कहिंदे महाराज जी ने आख्या लै सिखा मैं अपने खीसे चों कढ के तैनूं देना, लै ये तेरा। जप जिन्ना जपिया जांदा है, हर हर दात करो प्रभ भावै, गुण नानक नाम महाराम। हे हरी जी मेरे ते दात करो कि मैनू प्रभु जी तुसी पा जावो ते मैं तुहाडे गुणा नू और तुहाडे अमृत नाम नू उमा नाल उत्साह नाल जपा ते गावां। सतगुरु जी कृपा करन ये पावन पवित्र गुरबाणी दी पावन विचार साढ़े हिरदयां च वस जावे। 699 अंग ते कथा पहुँची है, फुरना है कि सकरांद वाले दिन आपां मध लावांगे जे सतगुरां नू पाया। बाकी जिवें भी होया अगे समागम आप सारियां संगतां नू